इंतजामिया में मादरी जबान को इस्तेमाल किया जाए, नायब सदर वेंकैया नायडू का बयान। नायब सदर एम वेंकैया नायडू ने इंतजामी उमूर की अंजाम दही में या फील्ड वर्क के दौरान मुकामी जबानों या मादरी जबान के इस्तेमाल पर जोर देते हुए कहा कि मादरी जबान में तालीम की फराहमी से बच्चों में किसी दीगर जबान के मुकाबले अपनी मादरी जबान में किसी भी मजमून को बेहतर तरीके से समझने की सलाहियत पाई जाती है। जबान और कल्चर किसी भी माशरे की तरक्की की बुनियाद होती है। नायडू ने मादरी जबान में सहल साइंसी इस्लाहात को मुदवन करने पर जोर दिया और कहा कि इससे आम आदमी को साइंस और टेक्नोलॉजी को समझने में बेहतर मदद मिल सकती है। आलमगीरियत के दौर में दुनिया भर में कई मुकामी जबानों को मालूम होने के खदशे के पेश नज़र इंतबाह देते हुए कहा कि अगर यही रुझान रहा तो कई जबानें गायब या खत्म हो जाएंगी। फ्रांस, जर्मनी, रूस, जापान और चीन जैसे ममालिक ने मुकामी और मादरी जबानों को तमाम शोबे हयात में मुअसर तरीके से इस्तेमाल करते हुए तरक्की की है। तेलंगाना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में दूसरे नंबर पर। वजीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कुमार ने कहा है कि तेलंगाना रियासत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में दूसरे नंबर पर है। गुज़िश्ता 5 साल के दौरान रियासत की आईटी बरामदात दुगनी हो गई है। फिलहाल तेलंगाना की आईटी बरामदात 1.28 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। रियासती हुकूमत आईटी के शोबे को फरोग देने और मुलाजिमत के वसी मौके पैदा करने के मकसद से बहुत सी आईटी कंपनियों को मदऊ कर रही है। रियासत के दूसरे दर्जे के शहरों में आईटी खिदमात को उसत देने के लिए आईटी हब कायम किए जा रहे हैं। तेलंगाना की तश्कील से कबल आईटी की सरगर्मियां सिर्फ हैदराबाद तक महदूद थीं, लेकिन अब दूसरे दर्जे के शहरों तक उसत दी जा रही है ताकि देही इलाकों के नौजवानों को रोजगार फराहम किया जा सके। अक्वामे मुत्तहिदा अमन मिशनों में जायद खवातीन करारदाद मंजूर। अक्वामे मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में मंजूर करदा एक करारदाद में अमन मिशनों में खवातीन के किरदार की तारीफ की गई और मुस्तकबिल में उनका तनासुब बढ़ाने और सिन्फी मसावात को यकीनी बनाने के लिए ठोस इकदामात पर जोर दिया गया। दुनिया भर के मुख्तलिफ खित्तों में आलमी इदारे के अमन मिशनों में खवातीन का तनासुब बढ़ाने के लिए सलामती कौंसिल में मुत्तफिका तौर पर करारदाद मंजूर की गई। मंजूर करारदाद के मसवदे में आलमी इदारे के तमाम 193 रुकन ममालिक पर जोर दिया गया कि दिफाई और सिविलियन पोजीशनों पर ज्यादा से ज्यादा खवातीन को भर्ती किया जाए और सिन्फी मसावात को यकीनी बनाया जाए। अक्वामे मुत्तहिदा के महकमे बराए अमन मिशन्स के मुताबिक 1993 में इदारे के अमन मिशनों में औरतों का तनासुब सिर्फ 1% था, जबकि आज ये तनासुब 6% है। 2019 में मजमूई तौर पर 95,000 अमन दस्तों में से सिर्फ 4.7% खातून फौजी पोजीशनों पर तैनात थी, जबकि 10.8% पुलिस यूनिट्स का हिस्सा थी। फौज, पुलिस और इंसाफ के मुख्तलिफ महकमों में इस वक्त औरतों की मजमूई तादाद 6% है। 5 साल कबल मंजूर करदा एक करारदाद के तहत 2028 तक अक्वामे मुत्तहिदा के तमाम दिफाई व अमन मशीनों में औरतों का तनासुब दुगना बढ़ना चाहिए। इसके लिए मालूमात और तरबियत जैसी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने और रुकावटों को दूर करने पर भी जोर दिया गया। मंजूर करारदाद में जिनसी हिरासानी के इल्जामात पर भी शदीद तश्वीश का इजहार किया गया। We'll be right back.
मकतूबे रियाज मिन जानिब के एन वासिफ सऊदी अरब। सऊदी अरब में गैर मुल्कियों को अपने नाम से कारोबार कराने वाले सऊदियों को इस्लाह हाल के लिए 180 दिन की मोहलत दी गई है। तिजारती पर्दापोशी के जराएं में मुलविस अफराद को मोहलत के दौरान इस्लाह हाल करने पर मौसर माजी इनकम टैक्स भी माफ कर दिया जाएगा। खादिम हरमैन शरीफन शाह सलमान ने तिजारती पर्दापोशी के जराएं के इंस्तिदाद के लिए कानून की मंजूरी दी है और सरकारी गजट से इसकी तफसीलात शाया की गई हैं। तिजारती पर्दापोशी के कानून में वजाहत की गई है कि वजारत तिजारत और वजारत दाखला 60 रोज के अंदर अफरादी खुवत व समाजी बहबूद सरमायाकारी की वजारतों और मुनफरिद इकामा मरकज के साथ ताउन से इस्लाह हाल का लाहे अमल जारी करें। तिजारती पर्दापोशी में मुलविस जिन अफराद को इनकम टैक्स से इस्तेसना दिया गया है उसमें वो अफराद शामिल नहीं होंगे जिन्होंने तिजारती पर्दापोशी का जुर्म नए कानून के इजरा के बाद किया होगा और जो तिजारती पर्दापोशी के मुजरम पाए जाएंगे या जिनका केस पब्लिक प्रोसिक्यूशन या मुतालिका अदालत को भेज दिया गया होगा। वजारत तिजारत के अलावा मुतालिका इदारों को ये अख्तियार भी दिया गया है कि वो ऑनलाइन जराए इस्तेमाल करके तिजारती पर्दापोशी की खिलाफ वर्जियां रिकॉर्ड करें। इस सिलसिले के जराइम साबित करने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी से काम लें। नए कानून में एक बड़ी सहूलत ये दी गई है कि जो लोग मुकर्रा जवाबित के मुताबिक तिजारती पर्दापोशी की सरगर्मियों की इतला देंगे उनकी सजा कम भी की जा सकती है और सजा मुकम्मल तौर पर माफ भी की जा सकती है। तिजारती पर्दापोशी कानून के मंजूर होने के बाद सऊदी अरब में मुकीम खारिजी बाशिंदे जो मुकामी अफराद के नाम से कारोबार करते हैं में एक हलचल मच गई थी। अब इस्लाह हाल के दौरान अगर कोई ऐसा हल भी निकलता है जिससे गैर मुल्कियों को उनके सरमाए के तहफ्फुज की तमानियत हासिल हो जाए तो ये गैर मुल्की बाशिंदों के हक में एक अच्छा फैसला होगा। अब पेश है हमारा प्रोग्राम वक्फे अदब। वक्फे अदब में मोहतरमा रफत आसिया शाहीन को समाज फरमाए। गजल आपके समाज नजर। शहर दर शहर बेबसी क्या है, शहर दर शहर बेबसी क्या है, फिक्र आलाम की घड़ी क्या है, शहर दर शहर बेबसी क्या है, फिक्र आलाम की घड़ी क्या है, मौज है दरिया है किनारा है, मौज है दरिया है किनारा है, कौन जाने की जिंदगी क्या है। चांद तारे हैं मेरी महफिल में, चांद तारे हैं मेरी महफिल में, सोचती हूँ कि फिर कमी क्या है। दिल की हालत अजीब है मेरी, दिल की हालत अजीब है मेरी, बेवजह आँख में नमी क्या है। आज रिश्ते हुए हैं बेगाने, आज रिश्ते हुए हैं बेगाने, धूल पलकों पे यूं जमी क्या है। शहर दर शहर बेबसी क्या है, फिक्र आलाम की घड़ी क्या है, मुँह उठा चल दिए काबे की सिमत, मुँह उठा चल दिए काबे की सिमत, जो नहीं जाने बंदगी क्या है। मख्तर्स करती हूँ। दिल जलाना ही था अगर शाहीन, दिल जलाना ही था अगर शाहीन, ये हवाओं से दोस्ती क्या है। शहर दर शहर बेबसी क्या है, फिक्र आलाम की घड़ी क्या है।